हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। इसके पहले मैंने अंतर्मन की आवाज़ के ऊपर एक वीडियो प्रसारित किया था। अभी थोड़ा उसको अलग ढंग से देखते हैं। हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली 50,000 से 60,000 विचार हर रोज आते रहते, 24 घंटे में आते रहते, कंटिन्यूअसली आते रहते। वो लोगों को जज करते रहते, जजमेंट करते रहते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा नहीं होना चाहिए, ये सत्य है, ये असत्य है। मैं इससे एग्री करता हूँ, मतलब मानता हूँ मैं इसको। नहीं, मैं इसको मानता नहीं हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं, मगर ये हुआ क्यों है? ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा हुआ कैसे? नहीं, मगर ये हुआ तो इसका जवाब क्या है, इसका उत्तर क्या है? नहीं, मगर आपको कौन सा पॉइंट बोलने का है? पॉइंट कौन सा आपको बोलने का है, मतलब आपको बोलना क्या चाहते हो? कंटिन्यूअसली हम हमारे दिमाग में वो विचार आते रहते हैं, और ये विचार सिर्फ मुझे नहीं है, विचार हजारों साल से मानव जाति को है। मतलब मैंने मुझे जैसी भाषा आना चालू हो गया, 2 साल का 3 साल का बच्चा रहता है तो भाषा आना चालू हो जाती है, और भाषा आना चालू होने के बाद में हमको लोग ये सिखाते हैं इस तरह की भाषा और इस तरह के विचार। तो कंटिन्यूअसली विचार आते रहते, विचार आते रहते, विचार आते रहते, और हम फिर वर्तमान में मौजूद नहीं रहते। ये विचार जब आते हैं तो मैं बोलता भी नहीं हूँ सामने किसको कि मेरे दिमाग में विचार आपके बारे में ऐसे आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, उसको मन में रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लोगों के सामने भाषण करना चाहिए, मगर मैं जाके भाषण करता नहीं हूँ। क्यों? कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कुछ भाषण करूँगा ना और कुछ गलती होगी तो लोग हंसेंगे, तो जान दो ना फिर क्यों करना। ये विचार आता है कि लोग हंसेंगे। मैं किसी को बोलूँ कि मेरा उधार लिया है पैसा आपने, तो मुझे पैसा वापस करो, ऐसा बोला तो मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, वो विचार आता है। फिर मैं पैसे मांगता नहीं हूँ। तो ऐसे आप देखो, आपके पैसे किसके तरफ ऐसे पड़े हैं कि आपने मांगे नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि वो क्या सोचेगा। जैसे तो मैंने पहले एक वीडियो में बोला है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, LKK सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे। हम लोगों को ना नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ना बोला तो उसको अच्छा लगेगा नहीं, या बराबर होगा नहीं, उसको बुरा लगेगा। हम कितनी सारे बातें, मतलब इतनी सारी बातें ऐसी है कि हमको इच्छा नहीं रही तभी हमको करना पड़ता है। मेरे सामने कोई आता है तो मैं उसके बारे में कुछ दिमाग में आता है, मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसा बोल रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो कुछ बोलेगा, मेरा अपमान करेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, बोलता भी नहीं हूँ। तो मेरा जीवन कैसा है? मेरा जीवन दबोच गया है, उसमें सप्रेस्ड हो गया। मैं खुले मन से मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ, खुले दिल से मैं बातचीत भी नहीं कर सकता हूँ लोगों को, क्योंकि दिमाग में कंटिन्यूअसली एक आवाज़ चालू है कि भाई लोग क्या कहेंगे, नहीं मैंने ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा करूँ कि नहीं करूँ, कंटिन्यू चालू है। और फिर हम कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं, कोई धोखा हमको हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, रिस्क लेने को तैयार नहीं है। फिर हम बोलेंगे भी नहीं कि मैं रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ या मैं डर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा? मैं उसके लिए कारण दूंगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा है, तो मैं कारण दूंगा। तो हमारा जीवन क्या है? हमारे जीवन में कारणवशता है, रीजनेबलनेस है, परिस्थितिवशता है, सरकमस्टेंशियल है। मतलब परिस्थिति हमको कंट्रोल कर रही है, परिस्थिति ठहराती है कि मैंने ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। परिस्थिति में लोग आ गए, वातावरण आ गया, सभी आ गया उसमें। तो मैं फिर लोगों को दोष देता हूँ, कारण बताता हूँ, और मुझे जो करना है वो करता नहीं हूँ। उदाहरण के तौर पे समझो, मेरा एक कमिटमेंट है कि मुझे ये करने का है, मुझे गाड़ी लेने की है, मुझे बड़ा बंगला बांधने का है, या मुझे बच्चों को बड़े स्कूल में सिखाने का है, या मुझे खुद को एजुकेशन लेके बहुत बड़ा बनने का है, या मुझे हायर एजुकेशन लेने का है, या मुझे कोई धंधा चालू करने का है, धंधा चालू धंधा बढ़ाने का है, बहुत पैसे कमाने का है, जो भी होगा मेरा। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट होंगे, मुझे ऐसा लगता होगा कि मैंने ये करना चाहिए, मेरी सोच वैसी है, मगर मैं करूँगा नहीं। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे अतीत में कुछ एक बड़ी थप्पड़ बैठी हुई है, नुकसान हुआ है, तो अभी मैं रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं रिस्क लूँगा और विपरीत हो गया तो मैंने क्या करना, तो मैं रिस्क भी नहीं लूँगा। फिर मैं क्या करता हूँ? मैं शांति से बैठ जाऊँगा और फिर कारण दूंगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं गाड़ी बड़ी खरीद नहीं रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी मतलब गाड़ी बड़ी मतलब वो बड़ी गाड़ी खरीद के फ़ायदा भी क्या है, कहाँ जाने का है,
अपने को तो गांव में घूमना पड़ता है, इतनी जरूरत भी नहीं है, फिर मैं बोलूंगा गाड़ी की आवश्यकता ही नहीं। बड़ा बंगला खरीदने का है, उसके लिए पैसे लगेंगे, उसके लिए डिस्कम्फर्ट होगा, उसके लिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, मगर फिर वो करूंगा नहीं, फिर मैं बोलूंगा क्योंकि इतनी जरूरत ही नहीं है, या और कुछ बताऊंगा। तो हमको रिस्क लेने का डर लगता है, लोग क्या कहेंगे वो डर लगता है, डिस्कम्फर्ट होना और सुविधाजनक अपनी परिस्थिति करना उसका डर लगता है, लोग क्या कहेंगे वो डर लगता है, फिर हम कुछ काम करेंगे नहीं। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे दिमाग में ऐसा जीवन मेरा होना चाहिए, इस तरह का जीवन मेरा होना चाहिए, वो उस तरह का जीवन हम जिएंगे नहीं। लोग मेरा जीवन कंट्रोल करेंगे, लोगों के हाथ में मेरा जीवन रहेगा, और मैं सिर्फ क्या करूँगा, कारण देता रहूँगा कि ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कारण देते रहूँगा मैं। तो भी आज से आपने ये देखना है कि आपका जो भी कमिटमेंट है, जो भी आप वचनबद्ध है, जो भी करने के लिए आपका दृढ़ निश्चय है, वो आप करो। देखो आपने कहाँ कहाँ कारण दिया, देखो आपने कहाँ कहाँ वो दूर लौट दिया, देखो आपने कहाँ कहाँ वो पोस्टपोन किया, आगे आगे ढकेल दिया, और फिर वो काम हुआ ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। फिर हम देखते हैं कि लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं, मैं ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं हूँ, मैं लोगों के साथ में रिश्ते क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। अरे आप लोगों के साथ में जुड़े नहीं हो, आप प्रामाणिकता से लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, प्रामाणिकता से लोगों को शेयर करते नहीं है, प्रामाणिकता से लोगों को जो भी हो रहा है बोलेंगे नहीं, फिर बोलेंगे देखो लोग मुझे समझते नहीं। तो आज से ये देखो कि जो भी आपको करना है, लोगों की सहायता लो, लोगों का सपोर्ट लो, लोगों को बोलो, लोगों से बातचीत करो, और वही आप करेंगे और आपका दृढ़ निश्चय होगा, कुछ भी कारण आवे, बींग ऐसा बोलते ना कि वह अनरिजनेबल होना, कुछ भी कारण आवे तो कारण को बीच में नहीं लाने का है, वो कारण के ऊपर मात करने का है। आपने देखा चींटियां जब चलती है एक लाइन में, तो एक लाइन में एक के पीछे एक बराबर डिसिप्लिन, वैसे चींटियां चलती है। और जो रास्ता है उनका, उसके सामने एक बड़ा पत्थर रख दो, वो पत्थर उन्होंने देखा तो चींटी ये नहीं बोलेंगी कि देखो इतना बड़ा पत्थर है अब मैं आगे जा सकती नहीं, वो क्या करेंगे, पत्थर के ऊपर से जाएंगे या बाजू से रास्ता तैयार करेंगे और चींटियां बाकी उसके पीछे भी चले जाएंगे। हम क्या करते, बड़ा पत्थर आ गया, हम बोलते अभी मेरे से होगा नहीं, हम पीछे हट जाते, कारण हो गया, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये कारण बाजू में रखने का है। और आपने आपके जीवन में देखो कहाँ कहाँ आपने कारण देकर जो आपको चाहिए था वो आपने किया नहीं, जो भी चाहिए था वो किया नहीं, क्योंकि डर लग रहा है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ऐसा लग रहा है, फेल हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, और फिर लोग क्या कहेंगे, अच्छा दिखता नहीं। तो वह आपने करने का है, जहाँ भी आपको अभी तक भूतकाल में जहाँ भी आपको कोई नुकसान हुआ हो, आपका अपमान हुआ हो, आपको चाट बैठी हो मुंह के ऊपर, तो ठीक है, वहाँ से हमने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, वो हमारे पास में अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अब उसको लेके हमको आगे बढ़ने का है, उसको भूलने का भी नहीं है, उसका वापर करने का है और आगे बढ़ने का है। तो आपके परिचित ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि वो उनको जीवन में जो चाहिए वो कर नहीं रहेंगे, करने होते होंगे, मतलब ये करते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कारण आते होंगे। आप उनके साथ में जरूर बातचीत करो, ये वीडियो शेयर करो लोगों के साथ में, ताकि लोगों को समझेगा कि उनको जो भी चाहिए वो संभव है, कुछ भी कारण बीच में आए तभी उसको पार करके हम जा सकते हैं और वो संभव जो है वो हम मिला सकते हैं। तो जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, फेसबुक के ऊपर शेयर करो, और आपको अच्छा लगा आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।